नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। आज की वीडियो में अपन इंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो जो अपन ने कवर किया था वो फार्म पावर के बारे में था। फार्म पावर के कौन कौन से सोर्स होते हैं और कौन से का क्या बेनिफिट था, क्या डिसएडवांटेज था, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी की थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए एक बार, जिससे आपको बेसिक चीज़ें सारी समझ में आ जाएगी। आज की वीडियो में अपन इंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से इंजन के टाइप होते हैं, कैसे पावर जनरेट होता है, कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को कवर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंजन के बारे में क्या क्या अपन पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले इंजन के बारे में पढ़े तो जो इंजन यूज होते हैं उनको एक कैटेगरी में डाला, हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन या इंजन जो भी होते हैं आप इनके बारे में बेसिक चीजें सभी जानते हो। इंजन क्या होता है, एक जो अपनी फ्यूल एनर्जी होती है, इस फ्यूल एनर्जी को यूज करके आपको दूसरा एनर्जी का आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्या है इंजन से, जैसे आपने फ्यूल एनर्जी को यूज किया और इससे आपको मोशन एनर्जी चाहिए, आपको रोटेटिंग एनर्जी चाहिए, तो ये क्या है, कन्वर्जन की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है ये इंजन के द्वारा ऑपरेट की जाती है। अब बात करें हीट इंजन क्या होते हैं, देखो हीट इंजन भी वही इंजन होते हैं, बस यहाँ पे क्या है आपके नाम में ही चेंज किया है। आप क्या करते हो, फ्यूल यूज करते हो, जब इस फ्यूल का क्या होता है, कंबस्टन होता है, फ्यूल जलता है, इग्निशन होता है, तो इससे क्या निकलती है, हीट निकलती है, और इस हीट से आपकी जो फ्यूल एनर्जी है या जो आपकी एनर्जी है इससे क्या निकली है, हीट निकली, और इस हीट से आपको क्या मिल रही है, पावर मिल रही है। तो ये इस टाइप के जो इंजन होते हैं इन इंजन को अपन हीट इंजन की कैटेगरी में डालते हैं। इंजन वही होते हैं जो पेट्रोल इंजन डीजल इंजन अपन देखते हैं, वही इंजन है। हीट इंजन क्यों बोलते हैं इनको, क्यों, क्योंकि इस फ्यूल के कंजप्शन से जो हीट निकलती है उस हीट से अपने को क्या मिलती है, पावर मिलती है, स्ट्रोक मिलता है, तो उसको अपन बोलेंगे हीट इंजन। बेसिक कैटेगरी में बात करें तो जो इंजन होते हैं या हीट इंजन है ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इंजन आता है अपना आईसी इंजन और सेकंड आता है ईसी इंजन। फुल फॉर्म की बात करें तो आईसी इंजन को बोला जाता है आपके इंटरनल कंबस्टन इंजन, और वहीं पे अगर आप ईसी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। ठीक है, इंटरनल कंबस्टन और एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन की बात करें तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करें, मैक्सिमम जो यूज होता है इंटरनल कंबस्टन इंजन यूज होता है, जनरली अपन जो भी यूज करते हैं। एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन में क्या होता है कि जो स्पार्क होता है या अपन बात करते हैं फ्यूल का जो कंबस्टन होता है, फ्यूल जो जलता है, ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है, आउटसाइड द सिलेंडर। ठीक है, कहाँ होती है, आउटसाइड द सिलेंडर, यानी सिलेंडर के बाहर अगर ये सारी क्रिया हो रही है तो उसको एक्सटर्नल बोलेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल का मतलब भी क्या होता है, बाहर। अगर ये सारी क्रियाएं फ्यूल के जलने की जो क्रिया है वो अगर सिलेंडर के बाहर हो रही है, पिस्टन की बात नहीं कर रहे यहाँ, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर के बाहर हो रही है तो इसको बोलेंगे अपन आउटसाइड, और अगर ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, सिलेंडर के इनसाइड हो रही है तो इसको अपन बोलेंगे इंटरनल कंबस्टन इंजन। इंटरनल का मतलब होता है किसी भी अंदर की बात करना और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर की बात करना। यानी अगर ये कंबस्टन की जो प्रोसेस है, फ्यूल के कंबस्टन की प्रोसेस अगर ये सिलेंडर के अंदर हो रही है तो इसको बोलेंगे अपन इंटरनल, और अगर ये सारी प्रोसेस अगर बाहर हो रही है तो इसको बोलेंगे अपन एक्सटर्नल कंबस्टन। दोनों चीजों को ध्यान रखना है, इंटरनल कंबस्टन और एक्सटर्नल कंबस्टन। अपन जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आगे सारे वो इंटरनल कंबस्टन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल कंबस्टन जनरली जो इंजन होता है यूज नहीं किया जाता जनरल पर्पज के लिए। जितने भी यूज होते हैं इंटरनल कंबस्टन इंजन ही यूज होते हैं। इंटरनल कंबस्टन इंजन में क्या होता है, इंटरनल कंबस्टन इंजन में आपकी जितनी भी प्रोसेस होगी यानी कंबस्टन से रिलेटेड वो सारी सिलेंडर के अंदर होगी, वहीं पे एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन में वो सिलेंडर के बाहर होगी। अब बात करते हैं कौन कौन से कंपोनेंट मेनली इंजन में यूज किए जाते हैं, इसके बाद में अपन बात करेंगे
आपके टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की। तो यहाँ आपके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, इनमें से अगर अपन पहले कंपोनेंट की बात करें तो पहला कंपोनेंट होता है आपका सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर क्या होता है, एक इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर ही क्या होगा, कंबस्टन की प्रोसेस होगी। तो सिलेंडर जनरली कौन से, जो कास्ट आयरन वगैरह होते हैं या फिर जो अच्छी क्वालिटी के स्टील होती है, इनसे बना होता है। जो भी कंपोनेंट कौन से वैसे बने हुए हैं, इनके लिए अपन एक पोस्ट बना के डाल देंगे, तो इनके बारे में ज्यादा डिटेल में देखने की भी जरूरत नहीं, अपने को मेन वर्किंग क्या है इनकी ये देख लेते हैं। ठीक है, सिलेंडर के अंदर ये कंबस्टन की प्रोसेस होती है, और जहां ये सिलेंडर लगा होता है उस कंपोनेंट को बोलते हैं सिलेंडर ब्लॉक। यानी इसके चारों तरफ क्या होगा, सिलेंडर ब्लॉक होगा, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर सिलेंडर लगा होगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, थर्ड जो चीज है आपके, सिलेंडर हो गया आपका, सिलेंडर ब्लॉक हो गया जिसमें क्या लगा होता है, ये सभी चीजें लगी होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें, सिलेंडर लीनियर भी आता है एक, अगर सिलेंडर लीनियर की बात करें तो इसका दूसरा नाम है स्लीव। ठीक है, सिलेंडर लीनियर क्या होता है, सिलेंडर लीनियर यहाँ पे एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर क्या होती है, पिस्टन मूव करती है। ठीक है, क्या मूव करती है, पिस्टन। अब देखो पिस्टन भी इसी के साइज की होती है, इसके अंदर ही लगी होती है। ठीक है, अब पिस्टन क्या होती है, पिस्टन ऊपर नीचे मूव करती रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो कंपोनेंट आ गया, फोर्थ कंपोनेंट, वो होता है पिस्टन। और पिस्टन ही सबसे अपन बात करते हैं, मेन वर्क क्या होता है पिस्टन का, पिस्टन ऊपर नीचे मूव करती है जिसकी वजह से पावर जनरेट होता है, स्ट्रोक जनरेट होता है। अब देखो इसके अंदर क्या होती है, ये पिस्टन प्रेजेंट होती है। सबसे पहले अपन ने बात की सिलेंडर, ये बाहर वाला हो गया, सिलेंडर सिलेंडर ब्लॉक के अंदर लगा होता है, सिलेंडर लीनियर या स्लीव्स क्या होती है, जिसकी ऊपर क्या करेगा, ये सिलेंडर मूव करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो आपके क्या आ गया, पिस्टन। पिस्टन क्या होता है, जो इसके अंदर मूव करता है, ऊपर नीचे जाता रहता है, जिसकी वजह से पावर जनरेट होता है। अभी अभी वर्किंग की बात नहीं कर रहे, वर्किंग अभी टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में अच्छे से अपन देख लेंगे कैसे ये वर्क करता है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पिस्टन आ गई। पिस्टन के बाद में अगर पांचवें पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आती है पिस्टन रिंग। देखो आपके यहाँ पे पिस्टन के ऊपर क्या होती है, रिंग लगी हुई होती है, ऐसे चारों तरफ पिस्टन के ऊपर रिंग लगी हुई होती है। अब ये पिस्टन के ऊपर जो रिंग लगी हुई होती है, ये रिंग भी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की रिंग होती है। एक तो होती है कंप्रेशन रिंग और दूसरी होती है ऑयल रिंग। कंप्रेशन रिंग क्या करती है, यहां पे जो भी गैसें हैं उन गैसों को क्या करती है, कंप्रेस करने का कार्य करती है। कंप्रेशन रिंग क्या करती है, जो गैस लगी हुई गैस है इसके अंदर, यहां पे देखो इसका टॉप पोर्शन आ गया ये, तो यहां पे क्या होगी, गैस बनी रहेगी। अब जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगी तो गैसें कंप्रेस होगी, तो गैसें इसके ऊपर प्रेशर बनाएगी, तो जो कंप्रेशन रिंग होती है इन गैसों को ऊपर रखने का या कंप्रेशन का कार्य करती है। वहीं पे ऑयल रिंग क्या करती है, नीचे वाले ऑयल रिंग है, ये ऑयल रिंग क्या करती है, यहाँ पे लुब्रिकेशन का वर्क करती है, जिसकी वजह से क्या हो, ये साइड में ना जाए, अपन बोल सकते हैं कि ये क्या करेगी, लुब्रिकेशन का वर्क करेगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो घर्षण बल था, जो साइड में रगड़ने की वजह से जो पावर कम हो रहा था, वो पावर कम ना हो पाए। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे ही स्पार्क जनरेट होगा, स्पार्क लगेगा, ये वापस से पिस्टन नीचे की तरफ आएगी, और नीचे की तरफ आएगी तो प्रेशर की वजह से आएगी, और यहाँ पे क्या होगा, अगर घर्षण बल ज्यादा होगा, लुब्रिकेशन कम होगा, तो इसकी नीचे आने की स्पीड कम होगी, और नीचे आने की स्पीड कम होगी तो अपना स्ट्रोक इतना अच्छा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में ये कंपोनेंट हो गया, पिस्टन रिंग में कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग, दो रिंग होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो यहां से देखो ये नीचे की तरफ कनेक्ट होती है किससे, यहाँ आपके क्रेन शाफ्ट लगी हुई होती है, क्रेन शाफ्ट से यहाँ से कनेक्टिंग रोड लगती है, और कनेक्टिंग रोड जाकर इस पिस्टन से यहाँ
जुड़ जाती है, ठीक है। जहां से ये पिस्टन से जुड़ती है उस चीज को अपन बोलते हैं, अपन नेक्स्ट यहां से ले लेते हैं, अपन ने पांच कंपोनेंट पढ़ लिए, तो सिक्स कंपोनेंट अपना हो गया पिस्टन पिन। बहुत बार पूछा जाता है पिस्टन पिन किसको बोलते हैं, तो देखो पिस्टन पिन कहाँ लगी होती है, यहाँ पिस्टन और आपके कनेक्टिंग रोड को जोड़ने का काम करती है। पिस्टन पिन क्या करती है, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट अगर कंपोनेंट की बात करें तो नेक्स्ट आपका हो गया कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड का वर्क क्या है, कनेक्टिंग रोड जोड़ती है आपके क्रेन शाफ्ट और पिस्टन को, किसको जोड़ती है, आपके पिस्टन को क्रेन शाफ्ट से जोड़ने का काम कोट करती है कनेक्टिंग रोड। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट क्या होती है, जो फाइनल इसका कंपोनेंट होता है, जहां से आपकी ये जो एनर्जी है ये किसमें कन्वर्ट हो रही है, ये कन्वर्ट हो रही है आपकी मोशन एनर्जी या रिवॉल्विंग एनर्जी में, घूमने वाली एनर्जी कहां में कन्वर्ट हुई, यहां आकर कन्वर्ट हुई, ये नीचे की तरफ आएगा फिर ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये क्या होगा, गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाएगी, यानी रिवॉल्विंग एनर्जी या मोशन एनर्जी में कन्वर्ट यहां हो जाएगा। ये जो चारों तरफ लगा हुआ है इसको कहा जाता है क्रैंकेस, क्या कहा जाता है, क्रैंकेस। क्रैंकेस का वर्क क्या होता है, यहां पे देखो क्या स्टोर रहता है, ऑयल स्टोर रहता है, तो अपन बोल सकते हैं क्रैंकेस में रिजर्व ऑयल रहता है, जो जब इसको जरूरत होती है तब क्या होगा, एक तो इस क्रैंकशाफ्ट को लुब्रिकेट करता रहेगा, दूसरा क्या होगा ऊपर की तरफ जिस भी कंपोनेंट में ऑयल की जरूरत होगी वहां पे ऑयल को पहुंचाता रहेगा, ठीक है। अब ये तो थे इसके बेसिक कंपोनेंट जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं पिस्टन पिन की, कनेक्टिंग रोड की। अगर और कंपोनेंट की बात करें तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो अपन ने लिए नहीं, अगर अपन बात करें पिस्टन का जो हेड होता है वहां पे भी एक कंपोनेंट और आता है जिसको अपन बोलते हैं क्राउन, ठीक है, तो क्राउन भी कंपोनेंट होता है, लेकिन अपन इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अपना बेसिक बेसिक चीजें देख लेते हैं एक बार फिर से। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं पिस्टन पिन और कनेक्टिंग रोड के आते हैं, कनेक्टिंग रोड जोड़ती है क्रेन शाफ्ट और पिस्टन को, वहीं पे पिस्टन पिन जोड़ती है आपके कनेक्टिंग रोड और पिस्टन को, ठीक है। तो यहाँ पे मेन कंपोनेंट हो गया सिलेंडर, जिसके अंदर कंबस्टन की पूरी प्रोसेस होती है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन आ गई, सिलेंडर जिसमें लगा हो सिलेंडर ब्लॉक हो गया, और यहाँ पे पिस्टन के ऊपर रिंग लगी हुई है, इनको बोलते हैं पिस्टन रिंग, दो रिंग ऊपर की तरफ होती है कंप्रेशन रिंग, नीचे थर्ड रिंग होती है ऑयल रिंग, ऑयल रिंग लुब्रिकेशन का वर्क करती है, कंप्रेशन रिंग गैसों को कंप्रेस करने का वर्क करती है। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं पिस्टन, अपन ने देखी ली पिस्टन क्या करती है, ऊपर नीचे मूव करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कनेक्टिंग रोड की, कनेक्टिंग रोड से पहले पिस्टन पिन देख ले, तो पिस्टन पिन यहाँ लगी हुई होती है जो पिस्टन को और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने का काम करती है, और नेक्स्ट हो गया आपका कनेक्टिंग रोड जो क्रेन शाफ्ट और आपके पिस्टन का जोड़ने का कार्य करती है। क्रेन शाफ्ट हो गई जो आपकी क्या करती है, इस कंप्लीट एनर्जी को फाइनल रिवॉल्विंग या मोशन एनर्जी में कन्वर्ट करने का वर्क करती है, और इसके चारों तरफ क्या लगा होता है, क्रैंकेस लगा होता है, जो क्या करता है आपका इस पूरी प्रोसेस के लिए ऑयल का एक रिजर्व प्लेस है, रिजर्व जगह है जहां पे ऑयल आकर स्टोर रहता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कंपोनेंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कंपोनेंट के बाद में अगर अपन बात करें तो आपके इंजन के जो टाइप हैं वो देख लेते हैं। बेसिकली जहां पे इंजन की बात करते हैं दो टाइप के इंजन अपन बेसिक पढ़ते हैं, टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन। क्या डिफरेंस होता है टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन में, कैसे इनकी वर्किंग होती है, इन सब के बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। देखो मेनली यहाँ पे पूरी कंप्लीट प्रोसेस में चार प्रोसेस कंप्लीट होती है, कौन कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होती है, चार प्रोसेस मेन होती है, कौन कौन सी होती है। अगर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इंजन की वर्किंग थी, इससे पहले अपन इंजन का एक बार डायग्राम बना लेते हैं जो अपन ने अभी पहले बनाया था। ये देखो आपका सिलेंडर हो गया, इस सिलेंडर के अंदर आपके क्या लगी हुई है, पिस्टन लगी हुई है,
पिस्टन के ऊपर आपकी रिंग लगी हुई है, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड हो गई, और इस कनेक्टिंग रॉड से यहाँ पे ये क्रैंकशाफ्ट हो गई, ये सॉरी ये पिस्टन पिन हो गई, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड हो गई, और ये आपकी क्रैंकशाफ्ट से जुड़ गई। ये कंप्लीट आपका इंजन हो गया, यहाँ पे लुब्रिकेशन ऑयल भरा हुआ। ठीक है, अब इस कंप्लीट प्रोसेस में आपका जो इंजन ऑपरेट होगा, जो पावर जनरेट करेगा, इस पावर जनरेट करने के लिए आपके पास में चार चीजें होती हैं बेसिक। कौन कौन सी चार चीजें होती है? देखो, सबसे पहले क्या आएगा, आपके फ्यूल आएगा, एयर आएगी, या जो भी मिक्सर होता है वो मिक्सर आता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, सबसे पहले इनटेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या हो गया, इनटेक हो गया। इनटेक किसका होता है, गैस और फ्यूल का इनटेक हो गया। सेकेंड में क्या होता है, ये कंप्रेस होते हैं, तो यहाँ पे कंप्रेशन आ गया। थर्ड में पावर जनरेट होता है, तो थर्ड स्ट्रोक कौन सा हो गया, पावर स्ट्रोक हो गया। और फोर्थ कौन सा हो गया आपके, एग्जॉस्ट। ठीक है, तो फोर कौन सा हो गया, एग्जॉस्ट। ठीक है, यानी बाहर निकालने वाला, गैसों को बाहर निकालने वाला। सबसे पहले इनटेक किया आपने, इनटेक यहां से कर लिया। ठीक है, आपने जो इनटेक किया है, इनटेक अब यहां पे अपन पढ़ेंगे जब टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक की बात करेंगे, कौन से वॉल्व होते हैं, कौन से के अंदर आपके पोर्ट होते हैं। ठीक है, तो इनकी बात अपन अभी नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले इनटेक हो गया, कंप्रेशन हो गया, पावर हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। नाम में थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल सकता है, आप जब दूसरी बुक पढ़ोगे तो आपको कुछ और नाम से मिल गया, लेकिन सबका मेन पर्पज यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इनटेक हो गया, कंप्रेशन हो गया, पावर हो गया, और एग्जॉस्ट हो गया। अगर ये कंप्लीट प्रोसेस पिस्टन के टू स्ट्रोक में कंप्लीट होता है, तो इस इंजन को अपन बोलते हैं टू स्ट्रोक इंजन। और अगर ये पिस्टन के टोटल फोर स्ट्रोक में कंप्लीट होता है, तो इस इंजन को बोलते हैं अपन फोर स्ट्रोक। ध्यान रखने वाली बात है, अगर ये चारों प्रोसेस दो स्ट्रोक में कंप्लीट हो रही है, तो इसको बोलेंगे टू स्ट्रोक। और अगर चार अपने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, या चार स्ट्रोक में कंप्लीट हो रही है, तो इसको बोलेंगे अपन फोर स्ट्रोक इंजन। बेसिक चीजें ध्यान रखने वाली है, टू स्ट्रोक में दो में, और चार स्ट्रोक या फोर स्ट्रोक में, फोर स्ट्रोक में कंप्लीट होगी। ठीक है, प्रोसेस यही चारों होगी, चाहे टू स्ट्रोक इंजन हो, चाहे फोर स्ट्रोक इंजन हो। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं बेसिकली, अगर अपन बात करें, सभी इंजन की बात नहीं करते, पेट्रोल इंजन ज्यादातर फोर स्ट्रोक इंजन होते हैं, डीजल इंजन टू स्ट्रोक इंजन होते हैं। कंप्लीट इंजन की बात नहीं कर रहे हैं, डीजल भी फोर स्ट्रोक हो सकते हैं, पेट्रोल भी टू स्ट्रोक हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस की बात कर रहे हैं, पेट्रोल इंजन फोर स्ट्रोक होते हैं, डीजल इंजन टू स्ट्रोक होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं फोर स्ट्रोक इंजन की वर्किंग कैसे होती है, और टू स्ट्रोक इंजन की वर्किंग कैसे होती है, तो देखो, फोर स्ट्रोक इंजन की वर्किंग और टू स्ट्रोक इंजन की वर्किंग में डिफरेंस क्या होता है, बेसिक डिफरेंस देखो। इस टाइप से जो क्रेन शाफ्ट अंदर की तरफ जाती है, अभी अपन यहां पे पूरा व्यू नहीं लेने वाले, क्रेन शाफ्ट का व्यू लेने वाले, वहां से आपको ये समझ में आएगा कैसे टू स्ट्रोक वर्क करता है और कैसे फोर स्ट्रोक वर्क करता है। ठीक है, देखो ये जुड़ा हुआ आपका यहां पे, ये आपके टू स्ट्रोक की मैकेनिज्म होगी। यहां पे देखो, ये जुड़ी हुई है क्रेन शाफ्ट से, कनेक्टिंग रोड जुड़ गई, और यहां पे ये आ गया आपका पिस्टन, पिस्टन लगा हुआ है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, अपन इसको डिटेल में नहीं बना रहे, बेसिक चीज आपको समझ में आनी है। ठीक है, देखो यहां अभी क्या है, ये नीचे की तरफ है, ठीक है, और ये क्या हुआ, यहां पे ऊपर की तरफ आया हुआ। ठीक है, अब जैसे ही यहां पे क्या मिलेगा, आपको पावर लगेगा, क्योंकि यहां पे ऊपर की तरफ गई है पिस्टन। ठीक है, पिस्टन जब ऊपर की तरफ गई है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ गैसें क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, और गैसें कंप्रेस हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे पावर लगेगा, स्पार्क होगा, तो क्या होगा, गैस क्या होगी, प्रेशर बनाएगी, स्पार्क होकर फैल जाएगी, और प्रेशर लगाने की वजह से पिस्टन नीचे की तरफ आएगी, तो ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, फिर यहाँ पे लगेगा स्ट्रोक,
तो यहां पे हो जाएगा। अब देखो यहां पे दोनों हाफ में कंप्लीट हो रहे, इसका मतलब क्या हुआ, क्रेन साफवट का एक रिवोल्यूशन कब कंप्लीट होता है, जब यहां पे कितना स्ट्रोक हो गया, या अपन बात कर सकते हैं कि टू स्ट्रोक हुए तब क्रेन साफवट का कितना हो गया, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। देखो एक स्ट्रोक यहां बना, एक यहां बना, तो यहां क्रेन साफवट का कितना हो गया, एक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अगर फोर स्ट्रोक की बात करें तो फोर स्ट्रोक की मैकेनिज्म में देखो डिफरेंस आता है, क्योंकि फोर स्ट्रोक इंजन है, यहां पे क्या लगेंगी, चार पिस्टन लगी और ये देखो ये लगी हुई है, अपन इसको ऐसे बना लेते हैं, यहां पे चारों किसमें लगे हुए हैं, सिलेंडर में लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे जैसे ही पावर बनेगा, ठीक है, ये वाला नीचे आ जाएगा, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, ये दोनों ऊपर जाएंगे, इन पे फिर से पावर लगेगा, ये नीचे आ जाएंगे, वो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे जो पिस्टन का जो मूवमेंट होता है, वो पिस्टन का मूवमेंट डिसाइड करता है कि क्रेन साफट का कितना मूवमेंट होगा, ठीक है। तो अपन बेसिकली बात करें तो जो टू स्ट्रोक इंजन होता है वहां पे क्रेन साफट का एक रिवोल्यूशन यहां पे पिस्टन के एक बार इस पिस्टन के नीचे आने पर और एक बार इस पिस्टन के नीचे आने पर कंप्लीट होता है, ऐसे यहां पे चारों पिस्टन के ऊपर नीचे जाने से एक पूरा कंप्लीट स्ट्रोक होता है, ठीक है। तो अपन बेसिकली बोल सकते हैं कि एक पावर या एक स्ट्रोक, एक पावर स्ट्रोक कब जनरेट होता है, जब क्रेन साफट का कितना रिवोल्यूशन हो, टू स्ट्रोक में एक रिवोल्यूशन हो और फोर स्ट्रोक में दो रिवोल्यूशन हो, क्योंकि क्रेन साफट के दो रिवोल्यूशन होंगे तब जाके एक पावर स्ट्रोक बनेगा। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है पावर स्ट्रोक कितना बनता है, टू स्ट्रोक में एक, इस क्रेन साफट के रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, आप ध्यान रखने वाली बात है, क्रेन साफट का एक रिवोल्यूशन मतलब यहां पे दो हो गए, ऐसे यहां पे क्रेन साफट का एक रिवोल्यूशन मतलब यहां पे ये चार हो गए, ठीक है। तो क्रेन साफट के एक रिवोल्यूशन पर एक पावर स्ट्रोक बनता है और वहीं पे आपके दो रिवोल्यूशन पर एक पावर स्ट्रोक बनता है। तो ये टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक की बेसिक मैकेनिज्म में डिफरेंस था। अब बात करते हैं टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में, तो देखो जो टू स्ट्रोक इंजन होता है वहां पे क्या पाए जाते हैं, इस टू स्ट्रोक इंजन में क्या पाए जाते हैं, पोर्ट पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, पोर्ट पाए जाते हैं, जबकि यहां पे क्या पाए जाते हैं, वाल पाए जाते हैं। फोर स्ट्रोक में वाल पाए जाते हैं, टू स्ट्रोक में पोर्ट पाए जाते हैं। इन पोर्ट से क्या होगा, जो आपके जो इनटेक और ये दोनों जो प्रोसेस होती है कंप्लीट होती है। जो पहला स्ट्रोक होता है, पहले स्ट्रोक में ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट होती है और सेकंड स्ट्रोक में ये दोनों, तो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फर्स्ट कहां कंप्लीट होगी, पहले स्ट्रोक में, सेकंड वाली सेकंड स्ट्रोक में। जैसे ही ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो इसको अपन बोलेंगे कि यहां पे ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, यानी जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, तो आपके कौन सा कंप्लीट हो जाएगा, इनटेक और कंप्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नीचे वाले जो दोनों वॉल हैं ये बंद हो जाएंगे, जैसे पिस्टन नीचे की तरफ आएगी ये दोनों बंद हो जाएंगे और ये दोनों ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो और जबकि वहां पे कितने में कंप्लीट होती है, चारों, चार स्टेप में कंप्लीट होती है, चारों के लिए अलग अलग है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चारों, यानी यहां से क्या होगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चारों अलग अलग पिस्टन या अलग अलग स्ट्रोक में कंप्लीट होती है, जबकि यहाँ पे दो में कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट दोनों एक में और थर्ड और फोर्थ एक में कंप्लीट होगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पे जो पोर्ट होते हैं और जो वाल्व होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, जो वाल्व होते हैं वो अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं हर एक प्रोसेस को, जबकि पोर्ट में क्या होगा, ये पिस्टन के मूवमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं दोनों इंजन में, फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक इंजन में, तो जो टू स्ट्रोक इंजन होता है ये क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी में फोर स्ट्रोक इंजन के कंपेयर में कम होता है, फोर स्ट्रोक इंजन ज्यादा स्टेबल होता है। ये तो थी बेसिक मैकेनिज्म की, जो ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या तो इनसे आएगा या फिर आपके पावर स्ट्रोक से आएगा। अपन ने बता दिया टू स्ट्रोक में वन रिवोल्यूशन होता है और फोर स्ट्रोक में टू रिवोल्यूशन ऑफ क्रेनशाफ्ट, एक पावर स्ट्रोक दो रिवोल्यूशन में जनरेट होता है फोर स्ट्रोक में, जबकि टू स्ट्रोक में वन से। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि जो फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक इंजन जनरली कौन से में होते हैं, तो अपन ने पढ़ लिया डीजल इंजन होते हैं, ज्यादातर टू स्ट्रोक होते हैं, पेट्रोल
फोर स्ट्रोक होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फोर स्ट्रोक का फायरिंग ऑर्डर आता है कि यहाँ पे क्या होगा, देखो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर बनेगा और वहां पे क्या होगा, फायर होगा, इग्निशन जनरेट होगा, वो इग्निशन के बेसिस पे इन इंजन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इनमें जो फायरिंग ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर क्या होता है फोर स्ट्रोक के लिए, तो देखो जो फायरिंग ऑर्डर होगा पेट्रोल का, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, तो फायरिंग ऑर्डर के लिए अपन बोले कि यहाँ पे देखो पेट्रोल फर्स्ट में फायर किया, सेकंड में फायर किया, थर्ड में फायर किया, फोर्थ में फायर किया, यानी ऑर्डर क्या हो गया 1 2 3 4, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, यानी कभी भी फायरिंग 1 2 3 4 ऐसे रेगुलर नहीं होगी, फायरिंग हमेशा इन रेगुलर पैटर्न में होगी। अपन बोल सकते हैं 1 के बाद 3 में हुई, 3 के बाद 4 में हुई, फिर 2 में हुई, तो ये चलेगा, डायरेक्ट 4 में हो गई, फिर 1 में हो गई, फिर 2 में हो गई, फिर 3 में हो गई, तो भी चलेगा। ठीक है, डायरेक्ट 4 3 2 1 ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, यानी कभी भी ना तो इधर से इधर की तरफ रेगुलर, ना ही इधर से इधर की तरफ रेगुलर में फायरिंग ऑर्डर होगा, फायरिंग हमेशा इरेगुलर पैटर्न में होगा, फोर स्ट्रोक हो तो या अपन बात करें इससे बड़े कोई भी स्ट्रोक हो, क्योंकि 2 स्ट्रोक के लिए तो पॉसिबल नहीं है, चाहे 2-1 लिखो या 1-2 लिखो वो तो एक ही बात है, लेकिन 4 स्ट्रोक और इससे बड़े इंजनों में फायरिंग ऑर्डर हमेशा इरेगुलर होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता 1 2 3 4 या 4 3 2 1, हमेशा क्या होगा 1 3 4 2 या फिर 1 3 2 4, कुछ भी हो सकता है लेकिन इरेगुलर होगा, रेगुलर नहीं होगा। तो यही 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इंजन की, तो इंजन 2 टाइप के और होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। क्या होते हैं पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में बेसिक डिफरेंस, तो अपन बात करें पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, तो यहाँ पे मिक्सर की बात हो रही है, रेशियो की बात हो रही है, किस प्रोपोर्शन में मिक्स होता है, इन सब का बेसिक डिफरेंस होता है। अब देखो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की बात कर रहे हैं, तो कंपोनेंट अपन ने पढ़ लिया तो अपने को इजी रहेगा थोड़ा सा लर्न करने में। ठीक है, तो इंजन अपने पास में फिर से अलग से 2 टाइप के हो गए, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। अब देखो पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, अपन ने पढ़ा है कि जो दोनों इंजन होते हैं वो इंटरनल कंबस्टन के या इंटरनल कंबस्टन के कैटेगरी में आते हैं। अब इंटरनल कंबस्टन की कैटेगरी में अपने को पता है कि जो स्पार्क होगा या जो कंबस्टन की प्रोसेस होगी वो इस सिलेंडर के अंदर ही होगी, अपन ने पढ़ लिया था कि इंटरनल कंबस्टन इंजन में प्रोसेस सिलेंडर के अंदर होगी, लेकिन पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है एयर और फ्यूल के मिक्सचर को लेकर, किसको लेकर, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को लेकर। ठीक है, अब यहां पे देखो पेट्रोल इंजन में इस सिलेंडर के अंदर एंटर होने से पहले एयर और फ्यूल मिक्सचर बन जाता है या एयर और फ्यूल मिक्सर हो जाते हैं, पहले एयर और फ्यूल मिक्स होंगे और फिर क्या करेंगे, सिलेंडर के अंदर एंटर होंगे। जबकि डीजल इंजन में थोड़ा अलग प्रोसेस है, यहां पे प्रोसेस में क्या होता है, एयर डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर एंटर हो जाती है और जब फ्यूल की नीड होती है तो फ्यूल क्या होगा, तब एड होगा। ठीक है, तो यहां पे एयर और फ्यूल क्या होंगे, मिक्स कब होंगे, इनसाइड द सिलेंडर। तो अपन बोल सकते हैं कि डीजल इंजन में इनसाइड द सिलेंडर एयर और फ्यूल मिक्स होते हैं, जबकि पेट्रोल में क्या होंगे, दोनों पहले मिक्स होंगे फिर सिलेंडर के अंदर एंटर होंगे। ठीक है, अब यहां पे अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन के जो टाइप होते हैं वो होते हैं कार्बोरेटर टाइप, और दूसरा अगर अपन बात करते हैं जो ज्यादातर होता है स्पार्क इग्निशन टाइप। जबकि जो यहां पे होता है वो डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन होता है कंप्रेशन इग्निशन टाइप के, और यहां पे कौन सा होता है, स्पार्क इग्निशन या फिर कार्बोरेटर टाइप के होते हैं। मेनली स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन की बात करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस होता है,
स्पार्क इग्निशन में क्या होगा? देखो यहां पे ये पिस्टन लगी हुई है, दोनों की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। यहां पे क्या लगी हुई है? पिस्टन लगी हुई है, पिस्टन नीचे से कनेक्टिंग पिन, पिस्टन पिन से होते हुए कनेक्टिंग रोड से कनेक्ट होके क्रेनशाफ्ट से कनेक्ट हो रखी है, उसके बारे में अपन बात अभी नहीं करेंगे। अब देखो स्ट्रोक कैसे जनरेट होता है, कि स्ट्रोक कैसे पैदा होगा, अपन ने बात की। चलो मान लिया डीजल इंजन है, डीजल इंजन में एयर तो क्या होगी, पहले से इंटेक हो गई। अब क्या होगा, जो फ्यूल होगा वो बाद में इंटेक होगा एज पर द नीड, या जितनी पावर आपको चाहिए, जितना आपके ऊपर प्रेशर लगा हुआ है, जितना सिलेंडर के ऊपर प्रेशर लगा हुआ है, जितना आपके व्हीकल के ऊपर प्रेशर है, उसके हिसाब से फ्यूल उसमें ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद में यहां पे क्या बनेगा, इस पिस्टन का जब इसके ऊपर कंप्रेशन लगेगा, प्रेशर लगेगा, इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, इग्निशन होगा। इग्निशन का मतलब होता है प्रज्वलित होना या ज्वाला जलना, यानी यहाँ पे क्या होगी, एक विस्फोट होगी, एक ज्वाला जनेगी, और इस ज्वाला की वजह से क्या होगा, स्ट्रोक जनरेट होगा और पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इस ज्वाला की वजह से प्रेशर लगा और इस प्रेशर की वजह से पिस्टन नीचे की तरफ आई, और नीचे की तरफ आने से क्रैनशाफ्ट में क्या हुआ, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। रेगुलर ऐसे क्या होंगे, स्ट्रोक बनते रहेंगे, और इस स्ट्रोक के बनने से इंजन अपना वर्किंग करता रहेगा। यहाँ पे ये नीचे आ गई, तो अब क्या होगा, जो जनरेशन होगा, स्पार्क जनरेट होगा, दूसरे में होगा, दूसरा नीचे की तरफ आएगा, तो पहला अपने आप ही ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसी टाइप से ये क्या रहता है, चलता रहता है प्रोसेस, ठीक है। अपन ने टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक की बात कर ली, वहां पे टू थे तो क्या हुआ, एक में जला, एक नीचे आ गया, ये नीचे आ गया तो दूसरा ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। दूसरा ऊपर की तरफ गया तो दूसरे में क्या हुआ, स्पार्क हुआ, दूसरा नीचे की तरफ आ गया। यानी यहाँ पे बेसिकली स्पार्क तो नहीं होता है, लेकिन जो इग्निशन होता है वो कंप्रेशन की वजह से होता है, डीजल की बात करें। वहीं पे अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोल पहले से, पहले क्या होता है, ऑटोमाइज होता है या वेपोराइज होता है, अपन बात कर ले, वेपोराइज होगा, फिर एयर के साथ वो मिक्स होगा, और फिर मिक्स होकर वॉल्व के थ्रू आपकी किस में चला जाएगा, यहाँ सिलेंडर में जाएगा, और फिर आपके यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखने वाली बात है, क्या होगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिकल स्पार्क होगा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से स्पार्क होगा। आपने देखा होगा बाइक को सेल्फ स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने सेल्फ दबाया, इलेक्ट्रिकल अंदर जाके स्पार्क होगा, और इलेक्ट्रिकल स्पार्क की वजह से क्या होगा, यहाँ पे फ्यूल जलेगा, और इस फ्यूल के जलने की वजह से आपका सेम प्रोसेस होगी। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से ये नीचे की तरफ आएगा, दूसरा ऊपर की तरफ चला जाएगा, फिर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहेगी, चाहे टू स्ट्रोक हो, फोर स्ट्रोक हो। अभी अपन टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक की बात नहीं कर रहे, पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे। तो यहाँ पे जो मोशन स्टार्ट करने की जो प्रोसेस थी, उसमें क्या डिफरेंस था, देखो यहाँ पे जो इग्निशन हो रहा है, ज्वाला जल रही है, वो कंप्रेशन की वजह से जल रही है, और यहाँ पे स्पार्क की वजह से, और स्पार्क कैसा है, इलेक्ट्रिकल स्पार्क की वजह से ये जनरेट हो रही। अब कुछ बेसिक चीजें आती है, देखो पेट्रोल इंजन की बात करें तो यहाँ पे जो एयर टू फ्यूल रेशियो होता है वो रहता है 15:1, ठीक है। एयर टू फ्यूल रेशियो क्या होता है, 15:1 के रेशियो में रहता है, जबकि यहाँ पे अपन बात करते हैं जो एयर टू फ्यूल रेशियो होता है ये क्या होता है, वेरी करता है। क्यों? क्योंकि एयर तो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या हो रही है, यहाँ पे ऐड हो रही है, लेकिन जो बाकी बात कर रहे हैं अपन फ्यूल की, या जो आपका डीजल है, वो डीजल क्या होगा, डिपेंड करेगा आपके ऊपर कितना पावर है, जितना पावर ज्यादा होगा उतना क्या होगा, फ्यूल का ज्यादा कंजप्शन होगा। तो ये क्या करता है, वेरी करता रहता है, लेकिन फिर भी अपन एवरेज ले तो 8:1 के आसपास रख सकते हैं, लेकिन ये वेरी करता है, फिक्स नहीं होता, जरूरी नहीं आपके आपके अंदर वेरी भी ऑप्शन आ रहा था, वेरी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिक्स होता है 15:1। वहीं पे कंप्रेशन रेशियो की बात कर रहे हैं, एयर और फ्यूल यहाँ देखो ऊपर की तरफ कंप्रेस होंगे, कंप्रेस होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इग्निशन होगा, जबकि यहाँ पे कंप्रेस होने के बाद स्पार्क की वजह से इग्निशन होता है। तो यहाँ पे एयर टू फ्यूल रेशियो की बात करें तो एयर टू फ्यूल रेशियो अलग अलग होता है। अगर अपन बात करें पेट्रोल इंजन की तो यहाँ पे 4:8:1 होता है, वहीं पे डीजल इंजन की बात करें तो यहाँ पे चला जाता है 15:20:1, या ये 14:20 या 16:20, ये इतना वेरिएशन चलता है, इतने में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। लेकिन आपको ब्रॉडली याद रखना है, यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो की बात करें, कंप्रेशन रेशियो 15:1 होता है, यहाँ पे 4:8:1 होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आता है इफिशियंसी का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है
कि पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी कितनी होती है और डीजल इंजन की इफिशियंसी कितनी होती है। तो पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी होती है 25 to 32%, ध्यान रखने वाली बात है, पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी 25 to 32% होती है और डीजल इंजन की इफिशियंसी 32 to 38%। तो डीजल इंजन की इफिशियंसी ज्यादा होती है। यह यहाँ के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। पेट्रोल इंजन कार्बोरेटर टाइप या स्पार्क इग्निशन टाइप होता है, डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निशन टाइप होता है, यानी कंप्रेस होगी गैस और फ्यूल उसकी वजह से इग्निशन होगा, जबकि यहाँ पे स्पार्क की वजह से इग्निशन होगा। जो पेट्रोल इंजन होता है यहाँ पे जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है वो सिलेंडर के बाहर होता है, जबकि डीजल इंजन में सिलेंडर के अंदर बनता है। यहाँ पे जो स्पार्क होगा इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे आपका स्पार्क होगा वो कंप्रेशन की वजह से होगा। बाकी अपन ने बात कर ली कि यहाँ पे जो एयर टू फ्यूल रेशियो होता है 15:1 होता है, वहां पे वैसे तो वेरी करता है लेकिन 8:1 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 4:8:1 है और या 4:8:1 है, जबकि यहाँ पे 15:20:1 है। और यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं इफिशियंसी, इफिशियंसी यहाँ पे पेट्रोल इंजन की कितनी होती है 25 to 32% और डीजल इंजन की 32 to 38%। तो ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के डिफरेंस के। अपन ने पढ़ लिया 4-stroke और 2-stroke इंजन, मेनली बेसिक इंजन के टाइप। अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है वो नेक्स्ट इन्हीं से रिलेटेड कोई टॉपिक है उनके ऊपर लेंगे। आज की वीडियो अपन यहीं तक रखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।